हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ दैट इज के ए इज विद रेस्पेक्ट टू द ग्रुप्स अटैच्ड। हमारे पास बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है विद रेस्पेक्ट टू कोई ग्रुप अटैच है तो, और उसके बेसिस पे, और जो हमारे पास जो बच्चों चार अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं उस बेसिस पे। चलिए इन सारे ऑप्शंस को एक एक करके हम लोग एनालाइज करेंगे, बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में है बच्चों वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग कैसे देखते हैं, क्या चीजें उसमें ऑब्जर्व करते हैं, और एसिडिक स्ट्रेंथ जो है जो ग्रुप्स अटैच होते हैं उसके दो उसके वजह से कैसे इफेक्ट होता है उसके ऊपर। एक हम एसिड ले लेते हैं, जैसे लेट्स से कि हमने ले लिया आर सी ओ ओ एच। ठीक है, और ये जब डिसोसिएट करेगा तो ये बनाएगा आर सी ओ ओ माइनस और साथ में बनाएगा ये एच प्लस। राइट, अब ये जो आर सी ओ ओ माइनस बना है बच्चों, ये आपका हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस, है ना। एसिड से एच प्लस जब निकाल लेते हैं तो उसके जो बच जाता है वो हो जाता है कॉन्जुगेट बेस। अब समझनी है यहाँ पे बातें। देखिए, के ए की वैल्यू अगर मैं इसके लिए लिखूं तो के ए की वैल्यू क्या हो जाती है, कंसेंट्रेशन ऑफ आर सी ओ ओ माइनस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ आर सी ओ ओ एच। ठीक है, ये हो गया के ए की वैल्यू। तो यहां पर से हम एक चीज समझ पा रहे हैं कि के ए की जो वैल्यू है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच प्लस के कंसेंट्रेशन के, या फिर आप इसको इस तरह से बोल लें कि एच प्लस का कंसेंट्रेशन है जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिक स्ट्रेंथ के। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि एसिडिक स्ट्रेंथ और कॉन्जुगेट बेस के बीच का रिलेशन क्या है। देखिए, आपके पास यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस बना है अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है तो इसका मतलब जो आपका आर सी ओ ओ एच है यानी जो आपका एसिड है वो एच प्लस लूज करने के बाद भी थोड़ा स्टेबिलाईज है यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस के फॉर्म में। अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा कॉन्जुगेट बेस तो वो तो ये चाहेगा ना कि एच प्लस के साथ में वापस से कंबाइन होके एसिड ही बना लेता हूं मैं, उसके फॉर्म में ज्यादा स्टेबल हुआ करता था। तो इसलिए कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। राइट, ये सारी बातें हमने समझ ली। अब एक चीज समझिए, जो आपके पास कार्बोक्सिलेट ग्रुप है बच्चों यहाँ पे, अब इसे स्टेबिलाईज कैसे करेंगे, इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है ना, इसके ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से ये ओ माइनस। अब अगर आप इससे कोई एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दो तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा ना कार्बोक्सिलेट ग्रुप पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये कम करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अभी हमने देखा है कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है कॉन्जुगेट बेस की तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर ऐसे केस में के ए की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं बच्चों, माइनस आई और माइनस एम शो करने वाले ग्रुप होते हैं। तो माइनस आई और माइनस एम अगर बढ़ता है तो उसकी वजह से के ए की वैल्यू इंक्रीज होती है। सेकेंड ऑप्शन आप पढ़ो, वो कह रहा है कि माइनस आई एंड माइनस एम इफेक्ट इंक्रीजेस देन के ए वैल्यू विल इंक्रीज। ऑब्वियस ही बात है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब यहीं पे आप इस कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ एक ऐसा ग्रुप अटैच कर दो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता हो, या फिर जिसे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे, ईडीजी। अब ये क्या करेगा, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बच्चों। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी को तो कम कर देगा ना, क्योंकि उसके ऊपर से तो एक पहले से माइनस चार्ज आ रखा है, उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो के ए की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए वैल्यू। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए आप, प्लस एम, अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाले कौन से होते हैं, प्लस आई और प्लस एम वाले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है प्लस आई एंड प्लस एम इफेक्ट इंक्रीजेस देन के ए वैल्यू विल डिक्रीज, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमने प्लस आई और प्लस एम जितना प्रोमिनेंट होता जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी और के ए की वैल्यू उतनी डिक्रीज होती जाएगी। राइट, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा सही है।
थर्ड स्टेटमेंट पे आइए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेस देन के ए वैल्यू विल इंक्रीज। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, देखो के ए वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा हो रहा है अभी हमारा, फोर्थ। कैसे देख लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस देन के ए वैल्यू विल इंक्रीज। देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन का एज सच डायरेक्ट रिलेशन एसिडिक स्ट्रेंथ से हमने यहाँ पर नहीं ऑब्जर्व करा, राइट। और हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है बच्चों वो जनरली कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल या फिर सी डबल बॉन्ड सी वाले जो होते हैं उनके केसेस में ऑब्जर्व होता है, ना कि कार्बन आयंस के केस में, या फिर कार्बोक्सिलेट आयन के बाजू में ऐसा लगा रहे कोई सी एच3 ग्रुप, तो वहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व नहीं होता। सो दैट इज व्हाई एज हाइपर कॉन्जुगेशन एज नो रोल प्ले इन एसिडिक स्ट्रेंथ हमने देखा। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इनकरेक्ट ऑप्शन ही स्टेटमेंट ही पूछा गया था हमसे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।